नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, ऐसे में नशा करने वाले लोग कोई नया नया विकल्प ढूंढते हैं। उनके लिए सबसे सस्ता विकल्प है ब्राउन शुगर का, और ब्राउन शुगर के सेवन करने से बिहार के कई सारे युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र के दयानंद स्कूल के पास की है, जहां से पुलिस को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 300 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 300 पैकेट्स ब्राउन शुगर के पुलिस ने जब्त किए हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर की सप्लाई एक व्यक्ति करता है, जिसके आधार पर पुलिस ने आज वहां पर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो ब्राउन शुगर के पुड़िये की सप्लाई करता था। पूछताछ में नीरज कुमार ने बताया कि किस तरीके से वो ब्राउन शुगर बिहटा एरोड्रोम के पास के एक मार्केट से किसी व्यक्ति से खरीदा करता था और फिर उसे पटना आकर के 300 रुपए पर पुड़िये के हिसाब से बेचा करता था। पुलिस ने आज नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है कि इसके पीछे का मुख्य सरगना कौन है, आखिर कौन बिहार में ब्राउन शुगर की सप्लाई करा रहा है। आपको बता दें कि बिहार की पुलिस पहले से ही शराबबंदी कानून को लागू करवाने में और शराब तस्करों को पकड़ने में लगी हुई है, ऐसे में ब्राउन शुगर की तस्करी भी अब बिहार में होने लगी है और धड़ल्ले से हो रही है। लोग अपने पैकेट्स में अब ब्राउन शुगर की पुड़िया लेकर के घूमते हैं और उन्हें युवाओं को बेचते हैं, और कम उम्र के युवा इसके जल्द ही शिकार भी बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस के लिए अब एक नया सिरदर्द बन गया है ये ब्राउन शुगर, क्योंकि जहां वो शराब की छापेमारी करते हैं, शराब तस्करों को पकड़ते हैं, अब उनके पास एक नया काम आ गया है कि अब वो ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले लोगों को भी पकड़ने लगे हैं। ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे नीरज कुमार को आज पकड़ा गया, जो 300 पैकेट्स लेकर के घूम रहा था और 300 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उसे बेचने की प्लानिंग भी कर रहा था। इसे वो बिहटा एरोड्रोम के पास से 28 रुपए पर पैकेट के हिसाब से खरीदता था, जिसे वो पटना आकर के 300 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बेचता था। आज पुलिस ने नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है और नीरज कुमार की मदद से मुख्य सरगना को भी पकड़ने में पुलिस अब लग चुकी है। इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।